हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 11th के फिजिक्स का जो हमारा वेक्टर्स वाला पार्ट है उससे जुड़ा हुआ कुछ न्यूमेरिकल्स, और जिसमें हम स्पेशली वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स है, यानी दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है दो वेक्टर्स की, या तो आप दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो या तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो, है ना। तो उसी के ऊपर बेस यहाँ पर मैंने 5 न्यूमेरिकल्स दिए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बेसिक फॉर्मूला है दोनों का, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का, वो मैं लिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको पता हो कि हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी इसके बारे में सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वेक्टर वाले पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा इसका। ओके, सो व्हेन वी हैव डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और जब हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो ए क्रॉस बी क्या लिखा जाता है, इट इज रिटन एज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो एक तो ये हो गया फॉर्मूला, लेकिन यहां पर जो हमको देखो मोस्टली जो हमको दिख रहा है वो सब ऑर्थोगोनल फॉर्म में, इनफैक्ट सभी में हमको ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी आई जे के की फॉर्म में। ओके, आई कैप जे कैप के कैप ये क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अगर ऐसे फॉर्म में अगर आपको दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, सो सपोज व्हेन आई एम गिवन विथ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो इसमें ए डॉट बी लिखा जाता है। देखो यहाँ पर ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या है, ये कंपोनेंट्स है एक्स वाई और जेड कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग में, और वैसे ही वेक्टर बी का ये भी क्या हुआ, जो उसके कोएफिशिएंट जो कंपोनेंट्स है एक्स और वाई और जेड के अलोंग में। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखा जाता है, अगर ऐसे फॉर्म में दिया हो तो सिंपली जो कंपोनेंट्स है करस्पॉन्डिंग उसको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। और अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो तो ए क्रॉस बी इज गिवन बाय, उसमें क्या करना होता है आपको, अगर याद हो ऐसे लिखते हैं हम और कंपोनेंट्स लिखा जाता है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, और यहां पर इसको हम वो जो डिटर्मिनेंट वाला जो तरीका है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन के साथ। क्या दिया हुआ यहां पर फर्स्ट वाला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a जिसका अब यहां पर वैल्यू दिया हुआ है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो यहां पर आप देख सकते हो a के जो भी कोएफिशिएंट्स है वो दिए हैं, b में एक कोएफिशिएंट का मतलब वहां पर एक कोएफिशिएंट नहीं दिया, उसकी जगह पर m दिया हुआ है और वही m हमको फाइंड करना है। मतलब ये कहा गया है कि दो वेक्टर्स है a और b और ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिए हैं, और ये कहा है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा। तो अगर आपको पता हो, अगर आपको मतलब यहां से भी आप ध्यान से समझ सकते हो, उसको याद भी रखो कि परपेंडिकुलर का मतलब कि अगर मान लो मैं लेता हूं a डॉट b, तो a डॉट b इज मॉड a मॉड b, और अगर a और b परपेंडिकुलर हैं, फॉर a एंड b परपेंडिकुलर, थीटा कितना हो जाएगा यहां पर, थीटा हो जाएगा 90, तो यानी cos ऑफ 90, cos 90 क्या होता है 0, यानी ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। ओके, तो यानी याद रखो कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। For two vectors to be perpendicular, their dot product is always zero. तो यहाँ पर अगर बोला है कि a जब b से perpendicular है तो m की value बताओ, तो सीधे हम ये लेके चलेंगे कि हाँ भाई, for perpendicular vectors a and b, a dot b will be equal to zero. We know that. ठीक है? तो यहाँ पर अब हम जो formula है a dot b का वो लगा देते हैं. That is 2i cap plus 3j cap minus 6k cap into 3i cap माइनस एम जे कैप प्लस 6k कैप, और ये वैल्यू 0 है। अब जो फॉर्मूला है वो लगा दो भाई, क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट में देख लो, कब करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, यानी 2 इंटू 3, सो दिस इज 2 इंटू 3। अब यहां पर j के कंपोनेंट यहां 3 है, यहां माइनस एम है, तो
तो यानी प्लस 3 इंटू माइनस एम, यहां पर माइनस 6 है, यहां प्लस 6 है, कितना हो जाएगा माइनस 6 इंटू प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज 6 माइनस 3m माइनस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस 3m को इस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा 3m एंड दिस इज माइनस 36 प्लस 6 हो जाएगा माइनस 30, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 3, दैट इज माइनस 10, m की वैल्यू आ गई माइनस 10। ओके, तो सिंपल था, इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल तो हुआ नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या दिया है। सेकंड वाले में फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहां पर हमको दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, और उनका स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है और वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्यों वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट हम डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट हमेशा वेक्टर आता है, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, तो यहां पर हमको डॉट और क्रॉस दोनों निकालना है। कोई नहीं, देखो यहां पर सीधे डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं हम, क्या है भाई, देखो ए डॉट बी इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है देखो डॉट प्रोडक्ट का, उसी हिसाब से लगा दो, कोएफिशिएंट करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 इंटू माइनस टू प्लस माइनस फोर इंटू वन प्लस 5 इंटू माइनस थ्री, सो दैट इज माइनस 6 माइनस 4, 5 3 15, तो ये हो गया माइनस 25 ना, 10 हो गया और ये 15 यानी 25, माइनस 25 जो कि हमारा आंसर दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद हमको क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है ना, वेक्टर प्रोडक्ट भी निकालना है, तो वो भी कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इज गिवन बाय, देखो ये है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, यानी आई कैप जे कैप और के कैप लिख दो और करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को लिख दो, क्या क्या है 3 माइनस 4 और 5, और बी का क्या है माइनस टू वन एंड माइनस थ्री। अब कैसे मल्टीप्लाई करना, मतलब कैसे लिखना है इसको, सो इट इज रिटन एज आई कैप इनटू समथिंग, देखो यहां पर प्लस है ना, अब इधर माइनस लगाओ, माइनस जे कैप इनटू समथिंग, फिर से प्लस लगाओ, प्लस के कैप इनटू समथिंग। अब ये समथिंग वाली जगह पर क्या आएगा, तो पहले तो ये ध्यान रखो क्या किया हमने, प्लस आई कैप इनटू एक ब्रैकेट है, फिर माइनस, यहां प्लस है माइनस है फिर प्लस है, याद रखो। तो अब ये इसमें क्या आएगा, जब हमने आई कैप लिखा है उसमें आई कैप के नीचे जो भी टर्म है उसको उसको भूल जाओ, उसको डिस्कार्ड कर दो और सिर्फ बाकी जो दो बचे टर्म है उस पर ध्यान दो, और उसमें भी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी माइनस फोर इंटू माइनस थ्री कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर लिख दो 12, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, यानी 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, तो यानी माइनस के साथ लिखेंगे। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर समथिंग माइनस समथिंग है, इधर भी माइनस और यहाँ भी माइनस है ना। तो पहले हमने क्या किया, जहाँ पर आई कैप है उसमें आई वाले कंपोनेंट्स को हटा दिया, और ये 4 3 12 यहाँ पर लिख दिया 12, और 5 1 5 यहाँ लिख दिया 5, है ना। ये 12 प्लस में क्यों लिखा, कि दोनों माइनस में था। ओके, और ऐसे ही करना है जब आप जे वाले टर्म को ध्यान दे रहे हो, मतलब सेकेंड सेकेंड है हमारे पास जे, तो उसमें इसको हाइड कर लो। अब ये हो गया 3 इंटू माइनस 3 कितना हो गया -9, और 5 इंटू माइनस 2 यानी -10। और वैसे ही अब के वाला है तो उसमें ये हो जाएगा 3 1 3 और ये -4 इंटू -2 इज +8, सो दैट इज +8। अब ये हो गया हमारा फाइनल, देखो 12 - 5 इज 7 आई कैप, और यहाँ पर -10 और ये हो गया -9 और ये हो गया +10, यानी 10 - 9 इज व्हाट 1, और सो दिस इज 1, ये पूरा 1 हो गया, और यहाँ पर माइनस है तो -1 जे कैप यानी माइनस जे कैप, और यहाँ पर 3 - 8 इज -5, सो -5 के कैप, और ये वही है जो देखो हमको आंसर यहाँ पर दिया हुआ एग्जैक्टली, ठीक है।
तो अगर आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक नहीं देखा है, जैसे मतलब जहां पर मैंने बेसिक्स बताया है वो अगर आपने नहीं देखा है तो दिक्कत हो सकती है, और देख लो बेटर यही रहेगा, बिकॉज आगे आपको बहुत कैलकुलेशन करने है। और ये ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर टफ वाले कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इसलिए दिया है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। एक ही बार में लेवल बढ़ाने जाओगे तो क्या दिक्कत आएगी, फिर आपको सीधे सब्जेक्ट टफ लगेगा, सब्जेक्ट को ब्लेम करोगे, वो गलत है। आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, चीजें आसान लगेंगी। मूविंग अहेड, अब यहां पर नेक्स्ट क्या दिया है, थर्ड वाला देखो, शो दैट वेक्टर्स ए एंड बी, अब यहां पर दो वेक्टर्स दिए हैं ऑर्थोगोनल फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में, आर पैरेलल, ये हमको प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो देखो, ना तो ये जीरो है ना तो ये जीरो है। अब पैरेलल का मतलब क्या कि हमको ये प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू जीरो। पैरेलल मतलब क्या, दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा तभी तो दो वेक्टर पैरेलल होंगे, राइट। सो हमको ये प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब थीटा इज जीरो कैसे प्रूव कर सकते हैं, मान लो कि हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ए क्रॉस बी इज मॉड ए, मॉड बी साइन थीटा होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, और साथ में एक वेक्टर लगा होता है यूनिट वेक्टर। तो अगर हमको पैरेलल प्रूव करना है तो यहां पर अगर किस तरह, ये दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, अगर ये वाला जीरो है पैरेलल के लिए तो ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो क्या होता है जीरो, मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाती है। मतलब ये बात तो हमेशा याद रखो कि जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो हमेशा जीरो हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, लेकिन पैरेलल होंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्रूव करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो, और फिर हम ये थीटा के हिसाब से करेंगे। सो आई विल स्टार्ट विथ, हम यहां पर शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के, ए क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ये हम निकाल लेते हैं। सो दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, एंड कंपोनेंट्स देखो 2 माइनस 3 और माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, ध्यान से लिखा करो, और ये माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3, माइनस 6 9 और 3। अब हम ये निकाल लेते हैं और ये प्रूव कर लेते हैं कि भाई ये वाली चीज तो जीरो नहीं आ रही, यानी क्या, आई कैप इंटू समथिंग माइनस जे कैप इंटू समथिंग प्लस के कैप इंटू समथिंग माइनस समथिंग। अब यहां पर क्या आएगा, जहां पर आई कैप लिखा है उसके कंपोनेंट को हाइड करो, 3 3 9 नेगेटिव में होगा माइनस 9, और वैसे ही 9 1 9 नेगेटिव में होगा माइनस 9, ओके। और इस वाले में जब जे लिख रहे हो तो 2 3 6 और ये माइनस 6 माइनस 1 इंटू करो तो प्लस 6 हो जाएगा, और इधर पे के वाले में उसके टर्म्स को हाइड करो, 9 2 18 और माइनस 6 इंटू माइनस 3 पॉजिटिव 18, सो दिस इज 18। अब ये तो टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, यानी ए क्रॉस बी जो है वो क्या मिल रहा है, जीरो। अब ए क्रॉस बी जीरो मिल रहा है मतलब क्या, मतलब कि हमको पता है, वी नो ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, राइट। तो अब यहां पर और इसका जो कम मतलब डायरेक्शन होता है इसमें, ठीक है। अब हमको पता है कि भाई ये चीज जीरो आ रही है, सो दिस इज जीरो, इफ दिस इज जीरो जो हमको मिला कि हाँ भाई ये जीरो, तो ये जीरो कब कब हो सकता है, आइदर वेन दिस इज जीरो जब इसकी वैल्यू जीरो होगी, या इसकी वैल्यू जीरो होगी, या इसकी वैल्यू जीरो होगी। पर हमको पता है कि बट वी नो दैट ना तो मॉड ए जीरो है, सो दिस इज नॉन जीरो, मॉड बी इज ऑल्सो नॉन जीरो, ये दोनों नॉन जीरो है, मतलब कौन सी वैल्यू जीरो है, दैट इज साइन थीटा विल बी जीरो, और साइन की कौन सी वैल्यू जीरो होती है, जीरो की। तो यानी हमने प्रूव कर दिया कि थीटा जीरो है, यानी दो दो वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल है, ओके। तो हमने यहां पर सबसे पहले क्या किया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और ये प्रूव कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इसमें से तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू जीरो होगी, तभी तो रिजल्ट जीरो आ रहा है। ना तो ये जीरो, बिकॉज हम देख सकते हैं वैल्यूज है उनकी, ना ही ये जीरो, तो जीरो क्या हुआ, साइन थीटा। अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा ऑब्वियसली जीरो, बिकॉज साइन ऑफ जीरो इज जीरो, ओके। तो यहां पर ये हमने प्रूव कर लिया इजिली।
और अब देखते हैं जो हमारा फोर्थ वाला दिया है। फोर्थ में क्या बोला गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये फोर्थ क्वेश्चन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब यहां पर ये एकदम टिपिकल वाला है, अगर मतलब आप इसको ध्यान भी रख सकते हो कि जब भी ऐसा दिया होगा वेक्टर्स की फॉर्म में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है हमको, एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसका एडजेसेंट साइड जो है हमको दिया हुआ। मान लो ये साइड है वेक्टर की फॉर्म में 3i कैप प्लस 5j कैप, और ये साइड है -3i कैप प्लस 7j कैप। एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, तो इसका जब भी आपको एरिया निकालना होता है पैरेललोग्राम का, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखो एक सीधा सा फॉर्मूला कि ये सीधे निकल जाएगा बाय ए क्रॉस बी का मॉड निकाल के, मैग्नीट्यूड निकाल के। सो दिस इज डायरेक्टली हमको मतलब अगर एरिया निकालना तो सीधे ये निकालना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप। अब यहां पर ए का जो कंपोनेंट्स है वो 3 है 5 है और 0 है, सो 3 5, के का कुछ नहीं दिया तो 0 लिखोगे। ऐसे यहां पर आई और जे दिया हुआ है, यहां भी के नहीं दिया, तो यहां भी हो जाएगा आपका -3 7 और 0। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहां पर वही आई कैप इंटू समथिंग माइनस समथिंग प्लस सॉरी माइनस जे कैप इंटू समथिंग माइनस समथिंग प्लस के कैप इंटू समथिंग माइनस समथिंग। अब यहां पर क्या होगा, आई वाले में देखो 5 × 0 = 0, 7 × 0 = 0, ऐसे ही जे वाले में 0 - 0, के वाले में 3 × 3 = 21 और ये 5 × 3 = 15, नेगेटिव में आएगा यानी -15। ठीक है, तो यानी रिजल्ट क्या आ रहा है सीधे सीधे, दिस इज डायरेक्टली 21 + 15, कितना हुआ 15 और 21, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, यानी 36 के कैप आ रहा है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड बोला है, यानी डायरेक्टली इसका मॉड देख लीजिए कितना है, दिस इज 36 स्क्वायर यूनिट है ना, एरिया बोला गया है 36 स्क्वायर यूनिट, ये हमने इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो हमको दे ही, मतलब सीधा आपको दिख रहा है तो हम यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ हमने कर ली। देखो यहाँ पर आंसर भी आपको दिया हुआ है, अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ओके फाइन, अब यहाँ पर फाइनली लास्ट वाला, ये पैरेललोग्राम वाला तो आप याद ही रख लो कि आपको जब भी एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, वेक्टर की फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्टली आपको ये करना है। ओके, एंड नाउ वी हैव द लास्ट वन। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बाकी आप ट्राई करोगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज दिस, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज दिस, तो यहाँ पर मॉड निकाला मैग्नीट्यूड ए और बी का, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, स्केलर प्रोडक्ट। तो देख लो आप कैसे होगा, ए प्लस बी ये दिया है 3i कैप + 6j कैप + 2k कैप, और ऐसे ही ए माइनस बी इज 6i कैप + 3j कैप - k कैप। अब इसको क्या करो, सीधे आप ऐड कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 times of vector A = कंपोनेंट जो करस्पॉन्डिंग वो ऐड कर लो। यहाँ पर देखो 3 और 6 हो गया 9i कैप, यहाँ पर फिर से 9j कैप, और 2 - 1 = 1k कैप। अब अगर ये 2 times vector A है, नहीं वेक्टर ए की वैल्यू मिल गई, ये 2 नीचे आ जाएगा ऐसे, सो 9i कैप + 9j कैप + k कैप, ये हो गया आपका वेक्टर है। ऐसे ही जब वेक्टर बी निकालना होगा तो आप ये दोनों को माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे हमने ऐड किया वैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहाँ पर वेक्टर बी मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, √ax² + ay² + az² दैट इज √, इसको आप 2 को अंदर भेज दो, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज 9/2² + 9/2² + 1/2² है ना, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, दैट इज 81/4 + 81/4 + 1/4,
सबका डिनोमिनेटर सेम है, एक साथ लिख दिया 81 प्लस 81, 162 प्लस 1 इज 163 बाय 4। तो ये आ गया आपका मॉड ए, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया। ऐसे ही बी का भी निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट बोला है, डॉट प्रोडक्ट तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी पता होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। तो आप जरूर ट्राई करिए और बताइए आपको मिला कि नहीं मिला। और यहाँ पर हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कर सकते हैं, तो कोशिश रहेगी कि इसको हम करें। और बाकी आप भी प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे अपना लेवल को इंक्रीज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।